आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन दिख रहा है, ड्रीम इलेवन में जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। ड्रीम इलेवन में वही विन कर सकता है जिसको पहली बात तो टीम बनाने आती होगी, और सेकंड चीज़ आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आपके पास माइंड है, आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, आपका टैक्टिकल माइंड है, आप अच्छे से सोच समझ सकते हो, सोचने समझने की क्षमता है, तो आपको ड्रीम इलेवन क्या कोई भी फैंटेसी ऐप हो आपको कोई नहीं हरा सकता है। और फैंटेसी गेम का तो नेचर ही है, आप जब पैसा लगा रहे होते हो तो 50% चांस जीतने का होता है, 50% चांस हारने का होता है। सबसे पहले तो ये सोच करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये पैसा हमारा पूरा का पूरा जा सकता है। अगर आप इतना पैसा लगा दे रहे हो फैंटेसी गेम में कि आप जब हार जाओगे तब आप ये चीज़ सोचते हो कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो अच्छा होता, ये सब चीज़ें आपको पहले सोचनी होती है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि फैंटेसी गेम एक ऐसी फील्ड है, और ख़ास करके ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन फैंटेसी का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का एप्लीकेशन है, फैंटेसी ऐप है मार्केट में, लेकिन मैंने जब फैंटेसी ऐप बनाने की बात सोची थी या बनवाने की बात सोची थी, हमने ये बात पहले से ही सोची थी कि हम खुद अपने फैंटेसी एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं करेंगे। हम खेलेंगे भी उस एप्लीकेशन पे तो भी हम उसका प्रमोशन नहीं करेंगे, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल था। क्योंकि अगर हम लोग खुद अपने फैंटेसी एप्लीकेशन का प्रमोशन करेंगे तो उसमें ये हो जाएगा कि बाकी के एप्लीकेशन में जो आप पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो उसकी क्या बात हुई, उसमें आपने क्यों इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। तो हम लोग जब भी विनिंग अपनी दिखाते हैं वो ड्रीम इलेवन में, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी हम अपनी विनिंग दिखाते हैं, अदरवाइज हम अपनी विनिंग भी नहीं दिखाते हैं। बिकॉज माई टीम इलेवन के करोड़ों रुपए के लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो आपको दिखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ तक कि आज से 3 साढ़े 3 साल पहले हमने माई टीम इलेवन से 7 करोड़ से ज़्यादा विन कर रखा था। वो अभी भी आप जाओगे माई टीम इलेवन की वेबसाइट पे, उस पर आपको मेरा नाम, मेरी फ़ोटो, सब कुछ आपको दिखाई देगा कि हमने वहाँ पे विन किया था। आज से 3 साढ़े 3 साल पहले का वो दिया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप आओगे माई टीम इलेवन डॉट कॉम पे, तो नंबर वन पे आपको मेरा नाम और मेरी फ़ोटो दिखाई देगी। ये 7 करोड़ की विनिंग है जो कि 3 साढ़े 3 साल पहले की है, ये विनिंग 7 करोड़। आज की डेट में आप समझ सकते हो हमने कितना विन किया होगा, हमने करोड़ों रुपए के तो लाइव विनिंग प्रूफ माई टीम इलेवन के दिए हुए हैं। बट हम लोग अब किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं, बट फिर भी इससे मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो इसका जो साइन अप कोड है वो हम लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे पास दुनिया के तमाम फैंटेसी एप्लीकेशन का प्रमोशन करने के लिए मेल आता है, बट हम लोग प्रमोशन नहीं करते हैं। प्रमोशन नहीं करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम लोग को उस फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता, और अपने पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग 1 महीना 2 महीना उस एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, विड्रॉ करें, तब हमको उस एप्लीकेशन की रियल में सच्चाई पता लगे। इतना अपने पास टाइम नहीं है। हम लोग उस एप्लीकेशन को अच्छा नहीं समझते हैं जो कि बहुत सारे ऑफर्स देता है, जो कि लीडर बोर्ड अनाउंस करता है, जिसमें कि आपको फॉरेन ट्रिप दिया जाएगा, कार दी जाएगी, आईफोन दिया जाएगा। लोगों के अंदर आईफोन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेज है, लेकिन आप अपने बटन वाले काम फ़ोन से भी सारे काम कर सकते हो, कैमरे भी होते हैं उसमें, छोटे ही होते हैं। बट आजकल की जनरेशन को ये बात नहीं समझ में आती है। आपको मैं बता दूं कि फैंटेसी एप्लीकेशन वो बेस्ट होता है जिसका विड्रॉल सिस्टम अच्छा होता है। हमारा जो खुद का फैंटेसी एप्लीकेशन है उसमें हम लोग कोई भी ऑफ़र नहीं देते हैं, 1 रुपए का ऑफ़र हम नहीं देंगे। यहाँ तक कि आप साइन अप करोगे तो भी आपको 1 रुपए का भी साइन अप बोनस नहीं दिया जाएगा। आप ये सोच के देखो, हम लोग करोड़ों रुपए फैंटेसी गेम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों रुपए ड्रीम इलेवन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ड्रीम इलेवन क्या बोनस देता है? आप आओगे यहाँ पे ऑफ़र वाले सेक्शन में, रिवॉर्ड वाले सेक्शन में, तो आप उसमें 4,500 की कॉइन आप करोगे तो फिर आपको 250 या कुछ मिलता है, 1,000 की करोगे तो 50 रुपये का आपको कैशबैक मिलता है, जो कि आप लीग में ही यूटिलाइज कर सकते हो। ड्रीम इलेवन तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो इतना बड़ा लीडर बोर्ड क्यों नहीं अनाउंस करता है? करता है आईपीएल वगैरह में, बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट में करता है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने का अपने पास टाइम नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं होगा। आपको एक एक मैच में इन्वेस्टमेंट करना होगा, सभी में आपको ग्रैंड लीग ज्वाइन करनी होगी, तब जा कर के माइनस में आपका चांस है, आपका चांस भी नहीं है, पॉइंट में चांस है, इनफैक्ट चांस नहीं है कि आप वो विन कर पाओगे।
तो आपको दिमाग वहीं लगाना चाहिए जो कि आपको चीज़ें अचीव करवा पाए। जैसे प्लेयर्स पॉट लूडो की मैं बात करता हूँ, आपने प्लेयर्स पॉट लूडो में कई बार देखा होगा हमको विन करते हुए, हमने वीडियो भी बना करके उसका दिया है जो हमने लाइव खेला था। कई बार हमने विन भी किया है, कई बार हमने विनिंग की, हम लोग कई बार विन करते हैं उसमें, लेकिन उसको हमने आज तक प्रमोट नहीं किया। हमने ये कभी नहीं कहा कि इसको आप जीत तो खेलो और आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, आपको लाखों रुपए उससे मिलेंगे, कभी नहीं विन कर सकते हो आप। हम लोग विन करते हैं, हमारा अलग सिस्टम है। हम एक दिन में एक में उसमें लूडो का गेम खेलेंगे, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो नहीं खेलते हैं, हारते भी हैं। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि फैंटेसी गेम आप खेल रहे हो, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना होता है। हमारे जो पेड मेंबर्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारी फीस बहुत ज़्यादा है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अफोर्ड वही कर सकता है जो खुले दिमाग से सोचता है। अब आप लाखों रुपए का लॉस तो झेल लोगे, लेकिन आपको जब फीस देने की बारी आएगी तब आपके मन में लालच आएगा कि इतनी फीस देने से अच्छा है कि हम उसको इन्वेस्टमेंट करके क्यों ना हार जाएं। आप हार भी जाते हो, उसके बाद आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत सारे सीरीज में विन लॉस वाला भी सिस्टम रखते हैं, विन लॉस वाला सिस्टम, जैसे IPL हुआ या तो PSL हुआ, ये दो मेन सीरीज होती है जिसमें हम लोग विन लॉस वाला सिस्टम रखते हैं, और बीच बीच में और भी सीरीज में हम रख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो रेट देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मार्केट रेट से एक बिल्कुल अलग होता है, तो वो केवल हमारे पेड मेंबर्स के लिए होता है। पेड मेंबर्स उसके लिए 1-2 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं, 1-2 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं, तब जा कर के आप उसमें खेल सकते हो। जो लोग डिपॉजिट करके नहीं खेलते हैं वो हमारे पेड मेंबर होते हैं। अगर वो हमारे कंटिन्यू पेड मेंबर होते हैं तब उनको विनिंग वाला अमाउंट, उतना जो एक्स्ट्रा होता है वो दिया जाता है, अदरवाइज़ उनका डिपॉजिट अमाउंट ही उनको वापस कर दिया जाता है अगर उन्होंने डिपॉजिट किया है तो। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं उनको पता होता है कि सागा फ्लैशबैक हर एक रूल को फॉलो करता है। मैं हर एक रूल को फॉलो करता हूँ, हम लोग की पूरी टीम है, चाहे फैंटेसी गेम हो, चाहे लूडो हो, चाहे कोई भी गेम हम लोग खेल रहे हैं, आपको एक एक नियम को फॉलो करना होता है। सबसे गलती आप लोग करते हो मैच के सिलेक्शन को लेकर के। अभी क्या है कि हम लोगों ने द हंड्रेड्स वाली सीरीज को फॉलो किया, न्यूज कलेक्ट की, इसलिए हम लोग केवल और केवल द हंड्रेड्स ही में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें ही विन करेंगे। बीच में और भी मैचेज आएंगे, जिस दिन द हंड्रेड्स के मैच नहीं होंगे, हो सकता है उस दिन हम T10 में भी इन्वेस्टमेंट करके विन करें। इस सीरीज में भी हमने अच्छा विन किया है, आपने देखी होगी लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो। ये सब सीरीज हम लोग फॉलो नहीं करते, ये सब बेकार की सीरीज है, हमको पता है पहले से, तो हम लोग पहले से ही सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमको बाद में पछताने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, बाद में पछताने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फैंटेसी गेम अगर आप खेल रहे हो आपको ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनेस्ट ही नहीं हो, अगर आप खुद फ्रॉड वाले नेचर के साथ हमारे पास आते हो, कभी आप विन नहीं कर पाओगे। हमसे पेड मेंबरशिप लेने के लिए बहुत तरह के लोग आते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि टीम को लीक करने के इरादे से आते हैं। वो सोचते हैं कि सागा फ्लैशबैक की हम मेंबरशिप ले लेंगे और कम पैसे में सबको हम दे देंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो हमारी टीम है वो हमारी एसेट्स है, वो हमारी संपत्ति है। उस एक टीम के लिए अगर जैकपॉट मैच है लाखों रुपए पेमेंट किए जाते हैं, तो हम आपको कभी अलाउ ही नहीं कर सकते कि आप हमारी टीम को लीक करो। अगर आपने लीक कर भी दिया तो ये आपको लगता है कि आपने लीक कर दिया, क्योंकि उस दिन हमने ड्रीम इलेवन में वही टीम रखी है जो कि हमने टीम लीक करने वालों को दी है। वो बंदा क्या करेगा, ड्रीम इलेवन में जब मैच कंप्लीट होगा तो हमारा पॉइंट मैच कराएगा, अपना पॉइंट मैच कराएगा और अपनी ही दुनिया में खुश रहेगा। और बाकी जो लोग बेवकूफ़ लोग हैं, जो कि माइंड से वीक हैं, इतनी बार समझाने पे भी टीम लीकर्स के चक्कर में पड़ते हैं, वो क्या करेंगे कि वो भी उनकी बात से खुश हो जाएंगे कि हाँ देखो सागा फ्लैशबैक का भी पॉइंट उतना ही है। लेकिन उनको क्या पता कि माई टीम इलेवन की हमारी हिस्ट्री क्या है। हम लोग माई टीम इलेवन में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ड्रीम इलेवन में आपकी खुशी के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमको लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो देना पड़ता है। केवल यही पर्पज है ड्रीम इलेवन में इन्वेस्टमेंट करने का। हमको ये पता है कि हमको किस तरीके से विन करना है, किन किन मेंबर्स को विन करवाना है और किन को विन नहीं करवाना है, इसीलिए हम उनको एक मेंबरशिप का नंबर देते हैं जिससे सारे रिकॉर्ड होते हैं। आप फ्यूचर में 4 साल बाद भी हमसे मेंबरशिप लोगे, आज आपने ली 4 साल बाद भी आप लोगे, तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड आपका रहेगा। आप भले ही दूसरे नंबर से हमसे मेंबरशिप ले लो, हमको पता लग जाएगा कि आप वही मेंबर हो। तो इसलिए हमारे जो मेंबर हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं
जो आज से 4-5 साल पहले, 7 साल पहले, 6 साल पहले हमारे पास आए, 5 हज़ार 10 हज़ार लेके आए थे, आज लाखों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक एक मैच में 10 लाख 15 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हम केवल फैंटेसी गेम में जीतना उनको नहीं सिखाते हैं, उनको हमसे ये भी सीखने को मिलता है अपनी लाइफ में किस तरीके से आपको चलना है। क्योंकि हम लोग केवल फैंटेसी गेम तो खेलते नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा खुद का पूरा इस्टेब्लिश्ड किया हुआ अपना मार्केट है, क्लाइंट है, सब कुछ है। तो फैंटेसी गेम तो आज है कल नहीं रहेगा। अगर आप अपने एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो स्पेकुलेटिव नेचर के जो बिजनेस होते हैं उसमें अगर आप ज़रा सा भी फ्रॉड नेचर से काम करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपको ये बात याद रखनी है। स्क्रीन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है। आज हमारे एक बार फिर से 2 जैकपॉट मैच है, प्लस यहाँ पे कुछ फ्रॉड लोगों की भी डिटेल हमने दी है। बीच बीच में हम देते रहते हैं, इनको आईना दिखाते हैं कि आप क्या हो, क्या डिजर्व करते हो। तो आपको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि टीम हमारी है, हमारी टीम से आप कमा रहे हो, उसके बाद हम लोगों को ये अब्यूज कर रहे हो, तो ये दर्शा रहा है कि आपकी जो परवरिश है वो कैसी हुई है। तो आपको वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए कभी भी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारा पेड मेंबरशिप का एकमात्र नंबर यही है 9140233474। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हम लोग पेड मेंबरशिप देते हैं, जिसके लिए न्यूज कलेक्ट करते हैं सीरीज वाइज, उसके लिए लाखों रुपए पेमेंट किया जाता है, तभी हम लोग कंटिन्यूसली विन करते हैं। CPL स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त से, 1 अक्टूबर को इसका फाइनल मैच होगा। इसमें सारे मैचेज कवर होंगे CPL के, उसके बीच में जो एशिया कप खेला जाएगा वो भी कवर होगा। और आप CPL का पैकेज लेते हो तो आज से ही आपकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप द 100 स्पेस में इंक्लूड करवाना चाहते हो तो उसके थोड़े से और चार्जेज आपको देने पड़ेंगे। तो यानी अगर आप मेंबरशिप लेते हो कंबाइंड पैकेज का, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें एशिया कप, द 100 मैंस और वुमेंस और CPL ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ये तीनों इंक्लूड हो जाएगा और आपको उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा CPL के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, हम 1 रुपये का डिस्काउंट किसी को भी नहीं देते हैं। ओल्ड मेंबर्स को भले ही हम दे दें, वो भी डिपेंड करता है ओल्ड मेंबर्स कौन है। सारे ओल्ड मेंबर्स को भी हम लोग नहीं देते हैं, जो हमसे रेगुलर मेंबरशिप ले रहा है उसी ओल्ड मेंबर को देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ ओल्ड मेंबर आते हैं जो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते और लॉस में रहते हैं, उसके बाद हमको मैसेज करके बोलेंगे कि हमने आपसे 2 बार मेंबरशिप ली और हम लॉस में रहे। तो मैं आपको बता दूँ, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने 2 बार हमसे इलाज करवाया आप ठीक नहीं हुए। आपको हर एक पैकेज हमारा लेना होगा, हर एक पैकेज। ये 8 साल से हम फैंटेसी गेम खेल रहे हैं, आप 1 दिन 2 दिन में सारे नियम सारे रूल्स समझ नहीं पाओगे। आपके अंदर वो गंभीरता वो डिसिप्लिन 1 दिन 2 दिन 1 महीने में नहीं आ पाएगा, बिकॉज जो आप सालों से गलतियाँ कर रहे हो वो एक बार में सुधारी नहीं जा सकती है। हमारे जो पेड मेंबर्स हैं, जो 7 साल 6 साल 5 साल से मेंबरशिप ले रहे हैं, सैकड़ों पैकेज हमारा ले चुके हैं और कोई पैकेज नहीं छोड़ते हैं। वो पहले से पूछ लेते हैं, यहाँ तक कि CPL का अनाउंस करने के पहले ही उन्होंने CPL का पैकेज ले लिया है। कुछ लोगों ने T20 वर्ल्ड कप का भी पैकेज लिया हुआ है कि बाद में हो सकता है उनको ना मिले, हो सकता है बाद में चार्ज बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे भी हमारे पेड मेंबर्स, उनको पता है कि फैंटेसी गेम में जीतना है, सागा फ्लैशबैक के अलावा उनको कोई नहीं विन करवा सकता है। और फैंटेसी एप्लीकेशन का हम प्रमोशन इसलिए भी नहीं करते हैं कि हमारे से जुड़े हुए बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, CA हैं, यहाँ तक कि आर्मी वाले बहुत ज़्यादा हैं, इन लोग बहुत खेलते हैं फैंटेसी गेम। तो इन्वेस्टमेंट करोड़ों में जाता है उस फैंटेसी एप्लीकेशन में अगर हमने प्रमोट कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। 1 मैच 2 मैच 3 मैच की टीम नहीं देते, पूरे सीरीज का पैकेज आपको मिलेगा। आप कहोगे 1 दिन का क्या चार्ज है, आप डिवाइड करके आ जाओगे 100 मैच में से। चार्ज 1 मैच का भी वही है, पूरे सीरीज का भी वही है। आपको लेना है तो लीजिए, ये आपकी हेल्प के लिए रखा गया है, हमको इससे 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होता है। तो सारी बातें मैंने बता दी, हमारा एकमात्र नंबर व्हाट्सएप नंबर यही है। किसी और के चक्कर में आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल फ्री हो, हमारी तरफ से कोई भी बाउंडेशन नहीं। हमारे पास 50,000 मैसेज आते हैं, सैकड़ों मैसेज आते हैं फ्रॉड होने के बाद लोगों के, कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट हूँ दोस्त अंकुरी, साइनिंग आउट, बाय बाय।